मेरी उम्र है 60। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरे 3 बच्चे और इतनी उम्र होते हुए भी मैं अपने आप को मेंटेन कर पाई हूँ, क्योंकि मैं पिछले 15 साल से योगा कर रही हूँ। दुनिया भर में 1975 से आज तक 3 गुना मोटापा बढ़ गया, जिसमें से 13% लोगों का मोटापा खतरनाक लेवल पे है। मोटापे के मामले में आदमी और औरत दोनों सेम लेवल पे है, 40%। मोटापा बढ़ने के कारण है बहुत ऑयली खाना, ज्यादा खाना, मीठा खाना, कोल्ड ड्रिंक्स, दारू पीना और एक्सरसाइज नहीं करना। मोटे तब होते जब कैलोरी जलाने से ज्यादा खाते हैं। इसलिए आज हम मोटापा घटाने के लिए योगा करेंगे। ये 9 आसन करने के साथ अगर आप अपने खाने पे कंट्रोल रखेंगे तो बहुत जल्द असर करेगा। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, आप रह सकते हैं हर उम्र पे फिट। फलकासन करने के लिए योगा मैट पे उल्टे लेटे रहें। दोनों हथेलियों पर जोर लगाते हुए शरीर का आगे का भाग जमीन से ऊपर उठा लें। शरीर को एकदम सीधा रखने की कोशिश करें। सिर, रीढ़ की हड्डी, कूल्हे और पैर एक रेखा में होने चाहिए। घुटनों को मुड़ने ना दें। कुछ सांसों के लिए स्थिर बने रहें। इस आसन से कंधों की, सीने की और पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। ये करने से पीठ दर्द भी कम होता है। भुजंगासन करने के लिए उल्टे ही लेटे रहें और चटाई पर दोनों पैर पीछे सीधे फैला दें। दोनों कोहनियां दोनों तरफ की पसलियों से सटी हुई रखकर दोनों हथेलियां जमीन पर लगा दें। कोहनियों को सीधा करते हुए सांस अंदर लें और धीरे धीरे ऊपरी शरीर को उठा लें। हथेलियां, कोहनियां और कंधे एक रेखा में होने चाहिए। भुजंगासन के नित्य प्रयोग से महिलाओं को मासिक चक्र की समस्याओं तथा प्रजनन संबंधी रोगों से मुक्ति मिलती है। अधोमुख श्वानासन करने के लिए हाथ सीधे आगे फैलाते हुए जमीन पर झुक जाएं और कूल्हे छत की ओर उठा लें। हो सके तो घुटने ना मोड़ें और क्षमता के हिसाब से सिर थोड़ा जमीन के ऊपर रखें या जमीन को छू लें। ये करने से रक्त संचार बढ़ता है और पाचन तंत्र सुधरता है। बैठी हुई स्थिति से प्रारंभ करें। वशिष्ठासन करने के लिए आगे की ओर झुकते हुए अपने शरीर का वजन एक हाथ पे ले लीजिए। फिर पैर सीधे रखते हुए दूसरा हाथ सीधा ऊपर उठा लें और हथेली स्थिर रखें। इस आसन में ऊपर और नीचे का हाथ एक सीधी रेखा में होना चाहिए और सिर, कूल्हे और पैर भी सीधी रेखा में। इस आसन के दौरान लंबी सांसें लेते रहें। यही प्रक्रिया दूसरी ओर दोहराएं। ये आसन करने से हाथ और कंधे मजबूत होते हैं और कलाई और कमर का दर्द भी कम होता है। इससे संतुलन भी सुधरता है। पहले अधोमुख श्वानासन कर लें। अब शरीर को स्थिर रखते हुए एक पैर हवा में उठा लें और उठे हुए पैर के घुटने को मोड़ लें। कुछ देर इसी स्थिति में रहें। अब धीरे से पैर बदलते हुए फिर से दूसरे पैर पर वजन ले लें और एक पद अधोमुख श्वानासन में कुछ देर लंबी सांसें लें।
चटाई पर पीठ के बल लेट जाएं। अब घुटने मोड़ते हुए अपनी एड़ियां कूल्हों के पास ले आएं। कोहनियां ऊपर की ओर मोड़ते हुए हथेलियां कानों के पास जमीन पर रख लें। अब लंबी सांस लेते हुए पैरों और हाथों को सीधा करने की कोशिश करें और अपने शरीर को छत की ओर उठा लें। ऊर्ध्वधनुरासन करने से थायराइड और पिट्यूटरी हॉर्मोन्स संतुलित होते हैं और रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बढ़ता है। धनुरासन करने के लिए पेट के बल चटाई पर लेट जाएं। अब घुटने मोड़ते हुए कूल्हों के पास ले आएं। हाथ पीछे की ओर ले जाएं और अपने हथेलियों से पंजों को पकड़ लें। अब लंबी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने ऊपरी शरीर और पैरों को जमीन से उठा लें। इस आसन में नजरें छत की ओर रखें। इस आसन से पाचन अंगों की कार्य कौशलता बढ़ती है और महिलाओं में मासिक चक्र की समस्याओं से समाधान मिलता है। परिपूर्ण नावासन करने के लिए चटाई के बीचों बीच आ जाएं। अब हथेलियां जमीन पर रखते हुए ऊपरी शरीर को स्थिर कर लें। अब दोनों पैर सीधे हवा में उठा लें और हाथों को भी सीधा हवा में उठा लें। हथेलियों को टखनों के पास ले जाने की कोशिश करें और थोड़ी देर इस आसन में बने रहें। नावासन गुर्दे, थायराइड और आंतों को ठीक करता है। मर्दों में प्रोस्टेट ग्रंथियों की समस्याओं से भी समाधान कराता है यह आसन। वीरभद्रासन करने के लिए सीधे खड़े रहें। अब बायां पैर बाहर की दिशा में घुमा लें और घुटना 90 डिग्री पे मोड़ लें। दायां पैर क्षमता के हिसाब से सीधा पीछे ले जाएं। अब सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथ कंधों से हवा में सीधे उठा लें और बाईं ओर देखें। थोड़ी देर इस दिशा में बने रहें और फिर दाईं ओर ये प्रक्रिया दोहराएं। इस आसन से शरीर और जोड़ों की मजबूती बढ़ती है और अंदर के अंग उत्तेजित होते हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं।